Good morning, dear students. How are you all? Today we will do the question answer of lesson number 8. 1 to 5 is done. Now we will start from question number 6. Question number 6. What did the man throw at the window? He threw a big stone at the window. What did the man throw at the window? क्या फेंका था मैन ने विंडो पे? तो हम लिखेंगे द मैन ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है तो हमने ही प्रोनाउन यूज कर लिया है. थ्रो की सेकेंड फॉर्म थ्रू. क्यों लगाई है हमने सेकेंड फॉर्म? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास डिड है. डिड डू की सेकेंड फॉर्म है. पास्ट फॉर्म है. पास्ट फॉर्म समझ लीजिए डू की पास्ट फॉर्म है. और टू पास्ट फॉर्म कभी एक साथ नहीं मिलेगी इसके डिड आ गया है तो यहाँ प्रेजेंट फॉर्म लगी है. और हमने आंसर में डिड हट गया है तो हमने आंसर में पास्ट फॉर्म लगाई है क्योंकि उसने फेंका था. ये जो इंसिडेंट हैपन हुआ था पास्ट में इसलिए हमने इसमें पास्ट फॉर्म यूज की. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट वाज द विंडो made of? What was the window made of? किसकी बनी हुई थी विंडो? अब आयरन की होती तो स्टोन थ्रो करने से कुछ नहीं होता. किसकी थी वो? ग्लास पैन. तो यहां हम लिखेंगे द विंडो वॉज मेड ऑफ ग्लास. द विंडो was made of glass. Glass की बनी. क्वेश्चन नंबर 8. What did the man do inside the shop? What did the man do inside the shop? क्या किया मैन ने? He put the man की इसी प्लेस पे हम लोग यूज कर रहे हैं. put ये एक ऐसी वर्ब है जो पास्ट हो प्रेजेंट हो फ्यूचर हो सेम रहती. put 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 है ना. तो he put a number of gold chain and bangles into his bag. क्या कर दिया उसने? A number of gold chain और जो bangles थी उठा के अपने बैग में रख ली. ये उसने जो शॉप के अंदर किया. चलो फिर है क्वेश्चन नंबर 9. द मैन केम नियर मिसेस सूद्स बेंच. व्हाट डिड मिसेस सूद डू? जब बेंच के पास जब वो गोल्ड चेन्स कलेक्ट करके बाहर आ रहा था और मिसेस सूद के बेंच के पास आया तो मिसेस सूद ने क्या किया? तो उसका आंसर हम लिखते हैं. उससे पहले हम ये फोटो ले लेते हैं. 9. द मैन came near Mrs. Sood bench. What did Mrs.
सूद टू, क्या किया है मिसेस सूद ने? ये देखिए मिसेस सूद प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ हमने उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जो छोटी सी भी आप इवन फाइव सेंटेंसेस भी रीड करते हो तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। जो जितनी भी ग्रामर हमने पढ़ी उसके बारे में कोई प्रीपोजिशन भी आएगी उसके अंदर, कोई कंजक्शन जो लिंकिंग वर्ड्स हमने पढ़े हैं वो भी आ सकते हैं, प्रॉपर नाउन आ गया है ना, डब्ल्यू एच वर्ड्स वो आ गए हैं। तो ये माइन्यूटली अगर आप पढ़ेंगे बहुत कुछ आपका रिवाइज कुछ सेंटेंसेज में हो जाएगा। और ऐसे सिर्फ रोट लर्निंग करेंगे, रटने बैठेंगे, जो लिखा दिया उसको रटना है तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। चलिए आंसर लिखते हैं। शी पुश्ड शी, मिसेस सूद लेडी है, गर्ल है, तो हमने शी यूज किया। शी पुश्ड ईडी फॉर्म पुश पुश्ड हर अम्ब्रेला, हर अम्ब्रेला, अब गर्ल है तो हर, बॉय आता तो हिज, अम्ब्रेला इन फ्रंट, सामने उसके अम्ब्रेला पुश किया उन्होंने मिसेस सूद। क्वेश्चन नंबर 10, Who caught the thief? किसने पकड़ा? वो वाली क्वेश्चन में सिर्फ नेम लिखना होता है उनकी केस पे, और एज इट इज उनके बाद वाला सेंटेंस लिखना होता है। Who की केस पे हमें क्या लिखना होता है? जो भी पर्सन रिलेटेड है उसका नेम, और who के बाद वाला जो आंसर है उसको एज इट इज हमें उस वर्ड के साथ उस नेम के साथ अटैच करना होता है। किसने पकड़ा था? पुलिस ने, तो हम लिख देंगे पुलिस caught the thief. Question number 11. What did the shopkeeper do first? What did he say to Mrs. Sood? थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन। What did the shopkeeper फर्स्ट, क्या किया शॉपकीपर ने पहले? व्हाट डिड ही से टू मिसेस सू? तो सबसे पहले शॉपकीपर ने क्या किया और फिर उसने मिसेस सूद को क्या कहा? शॉपकीपर ने क्या कहा, क्या किया उन्होंने? He went up to Mrs. Sood. He went up to Mrs. Sood. Mrs. Sood के पास गया वो? Mrs. Sood. And he said, "You are brave and caring." And said, "Thank you." And said, "Thank you, madam. Thank you, madam." फिर क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है, व्हाट डिड ही से टू मिसेस सूद? ही सेड, यू आर ब्रेव एंड क्लेवर, यू आर ब्रेव एंड क्लेवर, आप ब्रेव और क्लेवर हैं। क्या बोला? पहले तो थैंक यू मैडम कहा और फिर कहा कि यू आर ब्रेव एंड क्लेवर। तो ये टू आंसर्स हो गए। फिर है, व्हाट डिड ही गिव हर? डिड मिसेस सूद टेक इट? व्हाट डिड शी से? थ्री क्वेश्चंस एक ही उसमें पुट अप किए गए हैं। तो ही गिव अ गोल्ड रिंग टू हिम, है ना? शॉपकीपर ने क्या कहा, क्या दिया? ही गिव अ गोल्ड रिंग टू हिम। डिड मिसेस सूद टेक इट? नो, मिसेस सूद डिडंट टेक इट। व्हाट डिड शी से? शी सेड, आई एम अ गुड सिटीजन एंड अ गुड सिटीजन इज नॉट पेड फॉर बीइंग वन। ये वाला क्वेश्चन हम कल लिख लेंगे क्योंकि हम आपके आपके ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, तो कल हम लोग सैटरडे है ये क्वेश्चन करके फिर हम लोग हमारी पोयम रीड कर लेंगे, जो मैरी गो राउंड वाली पोयम है हमारे पास, या ये
ठीक है, फिर मंडे से हम लोग हमारा न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। आज इतना क्वेश्चन कर लीजिए, कल हमारा नंबर वन क्वेश्चन और बचेगा, वो हम कर लेंगे और पोएम रीड करेंगे मैरी गो राउंड। ओके बच्चा।